एडवांस फीचर है मैकबुक के अंदर। सो देख सकते हैं जैसे आप लाइट ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके बैकलाइट कीबोर्ड की लाइट ऑन हो जाएंगी और जो ब्राइटनेस है स्क्रीन की वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि भाई इन मामले में तो एप्पल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, तो इसी बात के यहाँ पर पैसे लेता है मैकबुक में। सो आज हमने यहाँ पर मंगाया है फ्लिपकार्ट से मैकबुक M1 एयर और हमें काफ़ी अच्छी कीमत में मिल गया था। तो इसकी हम करते हैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं जब भी आप फ्लिपकार्ट से कोई मैकबुक को परचेज करते हैं तो आपको किस कंडीशन में देखने मिलने वाली है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया है, ये पूरा यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट से ले लिया था। इसे आप चाहें तो ऑन द टाइम इसको अनबॉक्स भी कर सकते हैं बाय द जो आता है यहाँ पर डिलीवरी के लिए उनसे। और इसे हम करते हैं अनबॉक्स और बॉक्स की कंडीशन यहाँ पर हमें ठीक ठीक लग रही है, ऐसा कोई इसमें बस डैमेज नहीं है। सो पहले हटाते हैं टेपिंग इसकी। सो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है अनबॉक्सिंग, इससे पहले मैं यहाँ पर विंडोज यूज़ करता हूँ, आज मैंने मैकबुक मंगाई है तो देखेंगे इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो ये रहा एप्पल की तरफ से पूरी पैकेजिंग, पूरा सील पैक है यहाँ से भाई। सो यहाँ पर एप्पल का बॉक्स है पूरा और यहाँ पर इसमें प्राइस लिखा था इसका 1,00,000 रुपये, एप्पल ने जो इसकी प्राइस है वो बढ़ा दी है और यहाँ पर इसमें सील दी है, इसको ब्रेक करते हैं और सील ब्रेक करने के लिए वही सेम तरीका जो फ़ोन में आता है, यहाँ से पकड़ के इसको रिमूव कर देना सील को और ये हो गया हमारा मैकबुक एयर अनबॉक्स। इसे हम निकाल लेंगे बाहर। सो भाई यहाँ पर भी पैकेजिंग है, पॉलिथीन यहाँ पर अच्छी तरीके से रैप किया हुआ है इसको और यहाँ पर बॉक्स पैकेजिंग थी वो आपने देख ली। सो एप्पल के प्रोडक्ट साथ ये है कि आपको जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा जब भी आप यहाँ पर कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आईफोन हो या मैकबुक हो। सो यहाँ पर सील दी हुई है तो यहाँ पर जो सील है प्रॉपर एप्पल की तरफ से की गई है, यहाँ पर इसका सबूत है कि आप ये जो सील है और कोई नहीं लगा सकता। तो ये फर्स्ट टाइम भाई योगी मेरी अनबॉक्स कभी प्यार से करो, एक सील यहाँ पे भी थी इसकी, क्या बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आ रहा है भाई अनबॉक्स करके। और ये फर्स्ट टाइम भाई हम इसे ओपन कर रहे हैं और भाई ये रहा फर्स्ट लुक मैकबुक एयर M1 का 2020 वेरिएंट का जो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल गया था, 79,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट की सेल में मुझे दिख मिला है ब्लैक फ्राइडे सेल में। और निकालते हैं इसको बाहर, भाई हाथ में लेने बहुत ही बढ़िया फील आ रही है, एकदम मेटल की है ना पूरी और स्लिम काफ़ी है और काफ़ी लाइट वेट है। और इसे निकालते हैं हम रैप से बाहर अभी और फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है, साइड से कुछ ऐसी, अब निकालते हैं इसको पीछे से करते हैं अनबॉक्स। तो तीन तरीके आपको यहाँ पर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, पहले बॉक्स में, फिर पॉलिथिन में बॉक्स के साथ और लास्ट आपका मैकबुक के साथ। चार्जर भी अभी था। और ये जो हमारा कलर है ये हमारा स्पेस ग्रे कलर है, काफ़ी पतली लग रही है वो, ये तो मैकबुक एक गोल्डन कलर भी था रहा था। गोल्डन अच्छा नहीं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखियो क्या मस्त लग रहा भैया, ठीक ना, काफी सही लग रहा है, टैबलेट से लग रहा है मुझे तो हाथ में, स्लिम और मेटल का ना काफी सही लग रहा है हाथ में। रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और ये रही यहाँ पर टाइप सी टू टाइप सी केबल जिसकी हेल्प से अपने जो फोन में डेटा है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ पर चार्जिंग के लिए काम आएगी। और फिर हमारा यहाँ पर ये कुछ गाइड्स दी हुई हैं, इसमें यहाँ पर एप्पल स्टिकर मिलता है क्या? सो यहाँ पर हमारे ग्रे कलर के दो एप्पल स्टिकर है। तो चार्ज यहाँ पर इनबॉक्स कर दिया हमने और इसके यहाँ पर रेटिंग देख लेते हैं, टाइप सी का चार्जर है ये, 30 वॉट का हमें चार्ज देखने को मिलता है। सो हमारी पूरी यहाँ पर मैकबुक जो है अनबॉक्स हो गई है, इसके अलावा हमें और कुछ देखने को नहीं मिलेगा मैकबुक में, ये सब है। अब करते हैं फर्स्ट टाइम इसको ओपन और करते हैं इसको स्टार्ट। तो वही मुझे लगता है बटन नहीं होता ना कुछ, ये क्यों खुला? अच्छा ओ भाई आवाज भी आती है, वाह भाई वाह, मजा आ गया देख के। यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और काफ़ी एकदम अच्छी फील आ रही है अभी तो भाई, एक हाथ से आप इसको उठा सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं आने की, नमस्ते लिखा गया है और इसमें कोई भी पावर बटन नहीं होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपके यहाँ पर फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं।
तो अभी का तो इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे यहाँ पर लगा था कि M2 की बजाय M1 लेना चाहिए। प्राइस काफ़ी कम है और जो परफॉर्मेंस की है ना इसकी SSD की, वो बहुत ज़्यादा है M2 से। करते हैं उसके स्टार्ट। सो फर्स्ट टाइम हमारा मैकबुक एयर M1 यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, और सबसे अच्छी बात मुझे अब तक इसमें ये लगी जितना मैंने चलाया है इसे सेटअप करने में, कि इसका जो माउस पैड है भाई काफ़ी सही है। आप इसमें लगेगा नहीं आप इसमें टच कर रहे हैं या फिर कोई बटन प्रेस कर रहे हैं, इसमें जो हैप्टिक्स है ना वो इतने तगड़े दिए गए हैं, आपको फील होगा कि आप कोई बटन प्रेस कर रहे हैं, इतने अच्छे हैं। जैसे कि आप सुन सकते हैं, पर ये जो हमारी वाइब्रेशन फील हो रही है हर जगह पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर कोने पर है। अच्छा, तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो भाई डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है अभी तो, एकदम ब्राइट है, वाइब्रेंट है और कलरफुल है एकदम। और इसमें sRGB की बात करें तो फोटोशूट वगैरह आप कर सकते हैं, फोटोशॉप वगैरह जो करना चाहें इसमें, कलर एक्यूरेसी के टास्क, और साथ में काफ़ी लाइट होता है, इसे कहीं भी जा सकते हैं। बैटरी लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, साथ में कॉम्पैक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आपको फ्रंट में दिख रहा होगा हमारा स्पेस ग्रे कलर है, और काफ़ी सुंदर कलर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको फ्रंट में एप्पल का लोगो मिल जाता है, मेटल का है चारों तरफ से। बैक से आपको कुछ इस तरीके देखने मिलेगा, और आपको हाथ में फील लेंगे तो आपको हाथ में फील लेंगे एकदम प्रीमियम वाली आने वाली है। साइड बात करें इसमें आपको टाइप सी के दो चार्ज पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपका एक चार्जिंग का है, दूसरा आप इसमें USB वगैरह अटैच कर सकते हैं। बैक में इसमें कोई भी आपको वेंट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपको फ़ैन देखने को नहीं मिलता है। और वहीं इस साइड आते हैं तो आपको एक सबसे पॉपुलर यहाँ पर इसका 3.5 mm जैक मिल जाएगा, जिसमें अपना ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम है भाई, एकदम हवा की तरह हल्का, और नोटबुक की तरह पतला, मतलब नोटबुक तक कहेंगे नहीं, इसे हम कहेंगे मैकबुक भाई। अभी तो काफ़ी अच्छा लगा एक्सपीरियंस, बाद में देखते हैं कि इसमें कितना खर्चा आता है या फिर मेरा यहाँ पर इसी से काम चल जाएगा। जितने बजट मैंने इसे परचेज़ किया है 78,000 के अंदर, 78,990 का। और इसे आप क्रोमा से परचेज़ करेंगे तो आपको 77,000 का पड़ जाएगा, बट वो अभी 30 दिसंबर तक ही अवेलेबल है ऑफ़र। अब यहाँ पर इसके जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे दोबारा से 1,00,000 रुपये। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा टाइम था, इसलिए हमने इसे परचेज़ कर लिया। तो चलिए चलते हैं इसको, हम करते हैं टेस्ट के स्पीकर क्वालिटी, इसकी ऑडियो क्वालिटी, और एक हाथ से ओपन हो जाता है, ये बहुत बढ़िया बात है इसकी। अभी चेक करते हैं मैकबुक की जो वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी है, आपको देखने को मिलने वाली है और सुनने को मिलने वाले इसके स्पीकर्स दो मिल जाते हैं फ्रंट में, एक लेफ्ट एंड राइट। वाह क्या आवाज है, 3D आ रही है ना भैया, भाई क्या स्पीकर है इसके, तेरे JBL जैसे हैं। JBL से लैपटॉप इसके फेल है सामने इसके। वाह भाई वाह, वो भाई साहब। तो जैसा आपने देखा कि इसमें जैसे ही आप अपनी जो लाइट है उनको बंद करेंगे, इसको ऑटोमेटिकली बैकलाइट जल जाते हैं कीबोर्ड के, तो भाई क्या ही मतलब एडवांस फीचर है मैकबुक के अंदर। तो देख सकते हैं जैसे ही आप लाइट ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके बैकलाइट कीबोर्ड की लाइट ऑन हो जाएंगी, और जो ब्राइटनेस है स्क्रीन की वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि भाई इन मामले में तो एप्पल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, तो इसी बात के यहाँ पर पैसे लेता है मैकबुक में। और इसमें कुछ हम चेक करेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट, उसे हम कंपेयर करेंगे अपने विंडोज़ लैपटॉप से। मैंने यहाँ पर विंडोज़ का लैपटॉप लिया हुआ है 1,00,000 रुपये का, ASUS का, जिसमें हमारा कोर i7 मिल जाता है और RTX 3050 Ti है। उससे हम इसका कंपेयर करेंगे, CPU बेंचमार्क आपको बताएंगे कि दोनों में से यहाँ पर 4K एडिटिंग कौन सही कर देता है, जिससे आपको यहाँ पर आप इसे परचेज करें तो आपको पता लग जाए कि इस रेंज में और भी यहाँ पर लैपटॉप आते हैं जिनमें हम अपनी एडिटिंग कर सकते हैं और गेमिंग कर सकते हैं। तो दोनों कंपेयर करेंगे और दोनों के आपको ड्रॉबैक बताएंगे और एडवांटेजेस बताएंगे, आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, उसके लिए वेट करना।